हार्ट से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए आएं मुग्धा ईईसीबी एंड हार्ट केयर सेंटर, जहां होता है 70% से 100% हार्ट ब्लॉकेजेस ट्रीटमेंट विदाउट सर्जरी, नो साइड इफेक्ट, विद एडवांस्ड साउंडलेस पीएसके मशीन। मुग्धा ईईसीपी एंड हार्ट केयर सेंटर, बिहाइंड माउंट कामल स्कूल, अजनी स्क्वायर, नागपुर। सावले तालुका व शहर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा द्वारा शहर के गांधी पुतला चौक में भव्य स्क्रीन लगाकर हजारों समर्थकों के साथ अपने लाडले नेता नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते देख कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह दिखाई दिया। इस अवसर पर भव्य आतिशबाजी तथा मिठाई बांटकर एक दूसरे को बधाइयां दी। पंतप्रधान पद की हैट्रिक करने वाले देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण समारोह में जैसे ही मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी बोलते ही उपस्थित हजारों कार्यकर्ताओं ने भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी सा विजय असो, मोदी साहेब आगे बढ़ो, पूरा देश आपके साथ है के नारों से परिसर गुंज उठा। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रामराव मुवाड़ी, मनोहर कुंभारी, सावनेर तालुका भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष मंदार मंगरे, शहर अध्यक्ष राजू घुगल, तुषार उमाटे, विनोद बागड़े, सोनू नवधिंगे, निखिल पोटभरे, अभिषेक गहरवार, पिंटू सातपुते, बापू सुरे आदि के साथ हजारों कार्यकर्ता उपस्थित थे। मेरे को ही नहीं, पूरे दुनिया को और पूरे भारत देश को बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि देश के विजन के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, देश प्रगति पथ पर और हम तीसरे पायदान पे जा रहे हैं दुनिया के अंदर में, और सभी को बहुत अच्छा लग रहा है। 400 पार का नारा कहीं तो भी फेल होते हुए दिखाई दे रहा है? बिल्कुल नहीं, 400 का नारा फेल दिखाई नहीं दे रहा था। पिछली बार हमको 400 के लगभग समर्थन था, इसलिए 400 पार का नारा दिया। मगर अभी जो हमारे 240 भारतीय जनता पार्टी के एनडी के भारतीय जनता पार्टी के, फिर भी कांग्रेस के उतने नहीं है, सभी दल मिला के भी उतने नहीं है, फिर भी जोश था और उनको ऐसा लग रहा था कि हम काफ़ी जीत गए, मगर तो 272 के बहुमत से काफ़ी आगे है और बहुत अच्छे से सरकार बनाने जा रहे हैं। पहली बार ये देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी पंतप्रधान बनने जा रहे हैं, पूरे विश्व में और देश में खुशी की लहर है कि एक बार जनसामान्य का नेता फिर से पंतप्रधान पद पे आरूढ़ हो रहा है। आप एक जमीनी कार्यकर्ता हो, पिछले लगभग 25-30 साल से आप राजकारण से जुड़े हुए हो, ये एक ऐसा चुनाव रहा जिसके अंदर में कोई बड़े मुद्दे नहीं है, कोई स्थानिक मुद्दों को ऊपर में बाजू में करते हुए ये चुनाव लड़ा गया है सब पूरा? ये भारत देश विश्वगुरु बनने जा रहा है और ये अपना ये देश है जहाँ मोदी साहब 10 साल से पंतप्रधान है और ये देश का सर्वांगीण विकास करने का काम उन्होंने जो किया है, तो मुद्दे नहीं बचे तो मुद्दे क्या करना चाहेंगे? रामटेक निर्वाचन क्षेत्र से जो सीट हारी है उसका श्रेय या उसको क्या बोलते हैं, अपने असफलता को क्या बोलेंगे? ये जनता का विश्लेषण है और जहाँ हमारी प्रक्रिया हुई है, जहाँ हम कम गिरे वो पूरे पूर्व हम वो सुधारने की कोशिश करेंगे। मेरे को ये बताओ, आप कल तक कांग्रेस में थे, आज भाजपा में हो, आप कैसा महसूस कर रहे हो? यहाँ पे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, यहाँ करने का अच्छा मौका मिल रहा है, यहाँ कोई गड़बड़ नहीं है, खुले विचारों से यहाँ सब कार्यकर्ता के साथ मिलना जुलना और विकास से विकास के ऊपर जो बात करना, जो सावनेर का जो मुद्दा है, सावनेर गद्दार संघ का जो मुद्दा है, मैं बार बार यहाँ उठाऊँगा कि ये सावनेर शहर, ये सावनेर तालुका 25 साल से विकास से कोशिश हुई है। मनोहर बाबू, आप जमीनी नेता हैं, तो क्या हम ऐसा महसूस कर सकते हैं कि देश में पंतप्रधान नरेंद्र मोदी बनने के बाद यहाँ जो ग्रामीणों की जो समस्याएं हैं वो आप सुलझाने में कामयाब होंगे? सबसे बड़ी बात ये 10 साल के अंदर में मोदी जी ने हर गल जल जो विकास की जो योजना जो लाई है, स्थानीय स्वराज्य संस्था जिसको जिला परिषद बोलते हैं, जल जीवन मिशन, ये नागपुर जिले में उन्होंने 2000 करोड़ पानी पीने के लिए जनता को दिए है, इससे बड़ा और क्या होगा? लेकिन विपक्ष तो बोल रहा है कि वो उसका जो निधि आने वाला था वो निधि रोक के रखा है, आपकी सरकार है राज्य में, विपक्ष जनता को गुमराह कर रहा है। बाकी इन बीस न्यूज के लिए सावने से छवि राठौड़ के साथ किशोर ढुंडली की रिपोर्ट।